मार्केट ओपन हो गया है, समय 9:15 हुआ है, करेंसी सेल करना चाहें तो जरूर सेल करें, सब क्लियर हो गया, काफी गैप अप खुला है, मार्केट सीधे 17,350 पे खुला है, हेवी रेजिस्टेंस एरिया के पास खुला है 17,350 यहाँ। अभी हम लोग कोई भी जल्दबाजी वाला काम नहीं करेंगे, आज कम से कम नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी वाला काम नहीं करना है हम लोगों को। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये सब जो है ठीक ठाक है, अभी कोई भी जल्दबाजी हम लोग नहीं करेंगे ना, आराम से थोड़ा वेट कर लेंगे। करेंसी को सेल कर सकते हैं आप लोग, चाहें तो करेंसी को जरूर सेल करिए। पीवीआर काफी अच्छा ऊपर खुला और ऊपर से रिजेक्शन भी मिला है इसको, आईसीआईसी बैंक ये सब काफी ऊपर है, इंफोसिस इंफोसिस है, चंबल फर्टिलाइजर ठीक ठाक है, जुबिलेंट फूडवर्क देखें, तत्कालिक हम इसको सेल करते हैं, सेलिंग नहीं दे रहा है क्यों? अच्छा मार्जिन रिक्वायर्ड को बताता होगा, ऐसे ही ले लिया है अभी सेलिंग, काफी अच्छा से नीचे से रिजेक्शन मिला है इसको, पीवीआर को सेल किया है, थोड़ा यहाँ से मजबूती दिखा रहा है। अभी निफ्टी कॉल पुट हमें टाइम लगेगा, अभी टाइम मार्केट फर्स्ट सेटल होने दीजिए फिर करेंगे, ऐसे पीवीआर को भी सेल कर दिया है। पीवीआर मुझे लगता है 1424-23 के नीचे गिरेगा तो एक मूवमेंट बन सकता है, या यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। अभी पीवीआर में कॉल पुट में टाइम लगा, करेंसी सेल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, करेंसी में आप सेलिंग में बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है फिलहाल। देखिए गजब पीवीआर गजब गया ऊपर, यहाँ से 1424-25 के नीचे सेल करना है, यहाँ से रिजेक्शन मिले तो वापस से भी सेल कर सकते हैं, यहाँ से भी, क्या बात है, पीवीआर शानदार मूवमेंट देने की कोशिश कर रहा है। देखें जरा इसका चार्ट, ठीक है कोई बात नहीं, कल के हाई के ऊपर खुला तो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पीवीआर को रिजेक्शन मिलेगा जरूर सेल कर सकते हैं, 24 के नीचे गिरे तो और भी अच्छा, रिस्क यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे छोटे क्वांटिटी के साथ एक रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 50 रुपए के आसपास का लगाइए, 1450 का स्टॉप लॉस लगा के पीवीआर को सेल कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने मार्केट प्राइस पे सेल किया, इस वजह से मुझे थोड़ा ऊपर के भाव पे मिल गया। ये देखो अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, गजब।
अभी इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे 1460 का स्टॉप लॉस। सॉरी 1462 यहां पे सेल कर सकते हैं, छोटा रिस्क लीजिए मिलते के साथ ना, बड़ा स्पाइक है यहां पे, यहां पे यहां पे यहां पे सेल करिए, छोटा सा स्टॉप लॉस 62 का लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ सेल करिए, 4-5 पॉइंट के ऐसा ले, रिजेक्शन आना चाहिए, नहीं आएगा छोड़ देंगे, 5 पॉइंट का ऐसा लेके बाहर। मैं काट लेता हूं, मेरा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है इसलिए मैं यहां से पोजीशन नीचे ही आना चाहिए ऐसे कर, कोई बात नहीं ऊपर जा रहा तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ले लेता हूं, काट देता हूं इसको पोजीशन, रुक जाइए अभी रिजेक्शन मिलने दीजिए, फिर करेंसी ठीक है, कोई न्यूज है इसका मतलब पीबीआर में, एसएससी बैंक कोई न्यूज है इसका मतलब पीबीआर में, ऐसे तो नहीं होगा, चलिए देखते हैं जुबलियन फूड पिज्जा बॉय क्या हो रहा है। T20 खेल गया, हाँ कुछ न्यूज है उसमें, इसीलिए देखिए आया नीचे पीवीआर, आया ना 1450 पे, नीचे आएगा रिजेक्शन मिलेगा इसको, 4 पॉइंट बुक मिंडा इंडस्ट्री, वाह बहुत बढ़िया, ये नीचे आ गया ना, MGL आ गया, अब न्यूज होगा, न्यूज हमें पता नहीं है, मैं न्यूज सुनता नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, सेल करना चाहिए जरूर जरूर सेल करना चाहिए तभी ये फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो छोड़ भी सकते हैं आपको, ऐसा जरूरी नहीं है, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है छोड़ भी सकते हैं, जल्दी का ट्रेड शैतान का ट्रेड, मेरा ट्रेड शैतान का ट्रेड हो गया आज, 1157 के ऊपर टाटा स्टील बाय है और 485 के ऊपर टाटा मोटर्स बाय है, देखिए टाटा मोटर्स बाय है, अभी निफ्टी का कॉल पुट में कोई ट्रेड बना नहीं है तब तक मैं इसमें ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, 485 के ऊपर बाय, मार्केट प्राइस नहीं मारूंगा अदरवाइज वो फिर दे देगा मुझे, उसी तरह से दे देगा ऊपर के भाव पे दे देगा, टाटा स्टील 57 के ऊपर गैप अप खुला है ठीक है, सिप्ला 893 के ऊपर बाय है, देखिए सिप्ला बाइंग में है, टाटा मोटर 485 के ऊपर बाय है, हाँ बिल्कुल बाइंग के लेवल पे है, सिप्ला भी बाय के लेवल पे है, 893 के ऊपर बाइंग है, चल रहा है इसको चलने दीजिए, निफ्टी का कॉल पुट में भी कुछ बना नहीं है, मामला बनेगा तो देखा जाएगा, देखिए पीवीआर आ गया, प्रॉफिट बुक करिए, अगर सेल किया तो जरूर प्रॉफिट बुक करिए,
जरूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपने सेल किया है पहले ही ऊपर से। टाटा मोटर्स 485 के ऊपर ही बाय है और टाटा स्टील 1157 के ऊपर बाय, 893 के ऊपर सिप्ला, तो सिप्ला तो ठीक है। वेट करते हैं। पीवीआर का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बुक किया, बहुत अच्छे से ऊपर से नीचे आया, बिल्कुल अच्छा सा। इसके लेवल 1424-25 के नीचे आ जाए तो ये और खराब हो जाएगा, तो फिर ये गैप फिल कर सकता है, 1410 तक आ सकता है। अभी मैं इसको काट लेता हूँ, पोजीशन हटाइए, मैं इसका पोजीशन काट रहा हूँ और मैं कॉल पुट पे ध्यान लगा रहा हूँ। मेरा कॉल पुट इधर गया। इसमें अगर एक ट्रेड लेता हूँ तो देखिए 7 पॉइंट का लॉस बन रहा है मुझे, है ना, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मैं एक 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी के 250 के 17,250 का पुट बाय कर रहा हूँ। 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है इसी जगह पे, इसी कैंडल का लो में स्टॉप लॉस लगाऊंगा। देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है मुझे पहले, ये रिस्की ट्रेड है, ये बहुत रिस्की ट्रेड है। एक लेवल है यहां पर, अगर इस लेवल को ये क्लेम करता है नीचे तो यहां से बाउंस भी कर सकता है, ये रिस्की ट्रेड है, आप लोग मत लीजिएगा, ठीक है, ये आप लोग मत लीजिएगा। आप लोग का लेवल मैं बताऊंगा, हाँ रिस्क लेना है तो लीजिए, जैसे मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क बन रहा है, रिस्क लेना है तो भले ही लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पीवीआर नीचे आ गया एकदम, 26 का लो मार दिया पीवीआर ने, है ना, बुक किया पीवीआर में, चौदह सौ पच्चीस को ब्रेक करेगा तो लगभग सारा बुक हो जाएगा। किसी ने बुक किया भाई, कोई बोल ना रहे हैं, सब बोरा लगा लिया, भरने लग गए बोरा। थोड़ा ये रिस्की ट्रेड है, ऐसे मैं लेने के मूड में नहीं हूं इसको,
मैं स्टॉप लॉस लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। यहां से रिस्क कितना था, 7, 5, 35, 350। चलिए रेट देखते हैं, 3.5 ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी ऐसे के बाद नहीं क्लियर, कोई बात, जिसने लिया हो उनको मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी लिया हो उनको बोल रहा हूँ। जुबलियन फूड, अड़तीस सौ के ऊपर जुबलियन फूड बाय है, 3820 और 30 के टारगेट के लिए 3800 के ऊपर बाय, लेकिन निकल गया, थोड़ा सा महंगा हो गया, ये थोड़ा महंगा हो गया। MGL ये तो धड़ाधड़ नीचे आ रहा है। मॉर्निंग राजेश जी, ये तो धड़ाधड़ नीचे आ रहा है MGL। निफ्टी का 17,400 का कॉल ऑप्शन अगर 75 रुपए के ऊपर निकलेगा ना, अभी नहीं करें, भाव पे करेंगे, क्योंकि अभी रिजेक्शन पॉइंट पर है, वो रिजेक्शन पॉइंट जरा सा होल्ड कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ये दो एरिया, अगर इस एरिया के ऊपर निकले तो एक बाइंग बने। अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ से एक पुट बाय कर सकते हैं, अगर रिस्की ट्रेडर है तो एक पुट बाय करके चल सकते हैं। 17,250 का एक पुट बाय कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो। देखिए यहाँ से मेरा SL काट ही देता तब ये ऊपर जाता, कटता नहीं, कटता ना, ना करता, ठीक है। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ये सही जगह है जहां पे आप पुट को बाय करके चल सकते हैं। तेजी का माहौल तो दिख रहा है, 37 रिस्क जगह, रिस्की जगह। और ठीक है, चलिए इसका लो पॉइंट आ रहा है 32, चलिए यहीं पे भी स्टॉप लिमिट लगा के बैठेंगे, 31 रुपया 20 पैसा और 31 रुपया 30 पैसा के साथ स्टॉप लिमिट लगा के, स्टॉप लॉस लगा के बैठा हूँ। याद रखिए, अगर रिस्क लेना तो यहाँ पे पुट ले सकते हैं, अदरवाइज कॉल, अगर 17,400 का कॉल अगर 75 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं। 17,400 का कॉल, थोड़ा निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शन दिखा सकता है इस जगह पे, 17,400 पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, वेट करते हैं निफ्टी होल्ड कर पाता है या नहीं होल्ड कर पाता है। PVR नीचे आया बहुत शानदार, देखिए 1420 तक आ गया है ना, आपको लेवल ऐसे मैंने बताए हैं, ध्यान दीजिए 82, अगर ये 75-76 के ऊपर निकलता है 14,400 का तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं पुट ऑप्शन, छोटा से लॉस में, ठीक है, नहीं ले रहा हूँ स्टॉप लॉस, खुद काट दे रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल कंफ्यूजिंग लेवल है, जहाँ सस्टेन कर गया है ना, बड़ा दिक्कत है, यहाँ पे डिसीजन लेने नहीं दे रहा है। तो 400 का कॉल लीजिए या 450 का कॉल लीजिए, आपको जो ठीक लगे दोनों में से ले सकते हैं। 450 का कॉल भी 48 रुपए के भाव पे चल रहा है, 17,450 का कॉल ऑप्शन 48 के भाव पे चल रहा है। मॉर्निंग मॉर्निंग सारे लोगों को,
डिसीजन लेने नहीं दे रहा है, ऊपर है लेकिन प्रीमियम खा जाएगा रुक करके। पीवीआर का तो विध्वंस हो गया, जितना तेजी से ऊपर गया उतना ही तेजी से नीचे आया, मार्केट प्राइस पे जो मारा ना उसी में स्पाइक लगा दिया हमको। क्या क्या प्रचार आ जाता है। अड़तालीस देखिए, एक ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखता हूँ, ठीक है। अगर 17450 का ऑर्डर लगा के रखता हूँ, देखते हैं मिलता है या नहीं। अभी ऑर्डर लगा के रख रहा हूँ, 52 के आसपास में लगा रहा हूँ। थोड़ा दूर का रखा है, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है वो। ये कंसोलिडेशन एरिया है, ये है कंसोलिडेशन एरिया। अगर इस एरिया को वो ब्रेक करे ना तो एक मूवमेंट बन जाएगा। तो एक मूवमेंट बनेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। अपने आएगा तो देखा जाएगा। आया तो ठीक, नहीं तो नहीं। कंसोलिडेशन एरिया है, इसी तरह निफ्टी के पुट पे भी नजर रखिए, वो भी कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया में। कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर हम लोग लेंगे, अगर ये 40 के ऊपर निकल जाए पुट तो अच्छी बात है, तब बाइंग बनेगा। अगर वो 52 के ऊपर निकल जाए तो अच्छी बात है, तो वो बाय बना लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। लेकिन इस जगह पे नहीं लेंगे, यहाँ पे प्रीमियम खा सकता है वो। विप्रो शानदार चल रहा है, देखिए ऑर्डर ट्रिगर हो गया कॉल में, है ना, कॉल में ऑर्डर ट्रिगर हो गया हम लोगों का। कॉल में एक ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, स्टॉप लॉस 42 रुपए का लेके चल सकते हैं। टारगेट 62-72 ये सब टारगेट होगा। कंसोलिडेशन एरिया को हम लोग कैसे ट्रेड किए, कंसोलिडेट एरिया को देखा कि एक रेंज में फंसा हुआ है, वहां पे उसके ब्रेकआउट पर हम लोगों ने ट्रेड किया है ना, आराम से किया है।
एक छोटा सा रिस्क और लूंगा, 54 के आसपास में इसको एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिल गया है 215, 62 तक इसको आना चाहिए, 60, 62। तो 40 हो गया, 300, 300। कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर लोग, अगर आप लोग प्रॉफिट बुक करना चाहें कुछ क्वांटिटी तो बुक कर सकते हैं, अगर मल्टीपल लॉट लिया है तो। वेट कर रहे हैं हम लोग, सत्रह 403 ऊपर चल रहा है निफ्टी, यानी 400 को होल्ड कर रहा है। चलिए देखते हैं 60 के टारगेट ये आता है कि नहीं। चलिए पहला टारगेट की तरफ, डन, 60 वाला टारगेट। बाय, बुक करिए, बुक करिए, बुक करिए, निफ्टी पहला टारगेट डन हो गया। बुक कर लीजिए कुछ आप लोगों को प्रॉफिट। चलिए मैं एक लॉट बुक कर रहा हूं, मैंने एक लॉट बुक कर लिया, दो लॉट में से एक लॉट बुक कर लिया, हो गया ना काम फिनिश, क्या कहते हैं आप लोग, जवाब दीजिए भाई, पेट भरा कि नहीं, प्रॉफिट बुक हो गया। मदन जी बहुत बढ़िया, मेरा थोड़ा पीवीआर ने मामला गड़बड़ा दिया, सेल जरूर सही किया था उसको, लेकिन पीवीआर ने मामला गड़बड़ा दिया। निफ्टी के 17,250 के पुट में 195 का लॉस किया, पीवीआर में 766 का लॉस बुक किया, और निफ्टी के 17,450 के कॉल ऑप्शन में 1,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ही ट्रेड, लेकिन थोड़ा पीवीआर ने गड़बड़ा दिया मामला, मदन जी का पेट भर गया। ओके भाई बढ़िया, सेवेंटी टू तक आता है क्या नहीं ये देखते हैं हम लोग, 70 पर भी आए तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे इसको भी। बारह सौ पचास हो गया, नियर फाइनल टारगेट है, देखिए ऑल टारगेट डन हो गया, ऑल टारगेट डन हो गया, बुक नहीं कर पाए हम लोग। चलिए हम लोग बुक कर लेते, मैं बुक कर लेता हूँ, मैंने बुक कर लिया, ऑल टारगेट से डन हो गया था 75 तक का।
हो गया ना, मैंने भी बुक कर लिया। अच्छा चलिए, जिसका जिसका काम हो गया घर चले जाइए भाई। देखिए एमजीएल में एक ट्रेड लेता हूं, एक मिनट जरा मुझे एमजीएल का चार्ट देख लें जरा। काफी पिटा हुआ स्टॉक है, वेट करते जरा इसका चार्ट खोलें। अच्छा ऊपर से गया है, ठीक है। टाटा मोटर बाय से बाय तो वो 485 है सर, ऑलरेडी बोला हुआ, अब उसमें बोलना क्या है। ऑलरेडी उसमें बोला हुआ 485, वो पहला टारगेट 88 का था, क्या दिया क्या 88 पहुंच गया होगा पहला टारगेट। 487.35 का हाई मारा है, बिल्कुल है। एमजीएल डिसाइड करना है मुझे, इस रेंज के ऊपर एमजीएल एक, चलिए ट्रेड लेता हूं एमजीएल में, हालांकि थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा है मुझे, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो जो नहीं दे रहा है कॉन्फिडेंस तो छोड़ देंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करना, उसका कर्जा मैंने नहीं खाया है। ग्रेनुअल्स इंडिया, मजबूत है। मैक डबल एम भी मजबूत है। चलिए एक छोटा सा रिस्क ले रहा हूं एमजीएल में, ठीक है। एमजीएल में एक छोटा सा रिस्क, यहां तो मेरे पास 903 चल रहा है, 903 पर लेता हूं 900 के स्टॉप लॉस के साथ। 900 के स्टॉप लॉस के साथ इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट में स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अभी मिला नहीं है, दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया। हाँ ऑर्डर दे दिया, अब मैं इसी कैंड इसका 900 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 900 का स्टॉप लॉस लगा के बैठता हूं। करेंसी सेल किया तो ठीक है, अच्छा रिजेक्शन है। पहला टारगेट 72 तक, तो सेकेंड टारगेट ऑल टारगेट डन हो गया था इसका।
वेट करते हैं, छोटा सा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टाटा मोटर पहला टारगेट डन हो गया 488 के आसपास का, 487-80 का हाई मारा है, 485 के ऊपर ही बाय बोला था। क्या लग रहा है आप लोगों को, पुट लेना चाहिए यहां पर से? मेरा कन्विक्शन तो बिल्कुल नहीं है सर, पुट में अभी पूरा चांस दिखा रहा है, ललचा तो रहा है, जिस हिसाब से देख रहा हूं वो ललचाने की कोशिश तो कर रहा है। तो एक रिस्क ले लेते हैं 32 या 33 पर बाय करके। मैडम जी आज क्या बोलने वाले हैं क्या? अच्छा मैडम कुछ बोल रही है क्या, बोलने वाली है क्या? अरे राम, तब तो इसको पहले पोजीशन काटो रे भाई। मैडम कुछ बोलने वाली है, एक मिनट, हटो 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 हटो, हम न्यूज नहीं ना सुनते सर, वो तो हमको आदत नहीं है वो खबर स्टॉक मार्केट का सुनने का। मैडम कुछ बोल रही है नहीं, चलिए एक छोटा सा लिया, पुट को बाय किया, निफ्टी बुक कर लिया ना 4100 रुपए, बहुत बढ़िया। आज आरबीआई का पॉलिसी है, टुडे इट्स आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ओके 10 बजे है। अरे यार 10 बजने में तो मिनट बाकी है, तो रिस्क नहीं लेना है। 27 रुपया का स्टॉप लगा के होल्ड कर लेंगे, स्टॉप लिमिट 2690। पचास से सीधे देखिए 10 पॉइंट खींच लिया, देखिए निफ्टी ने सीधे यहां से 10 पॉइंट खींचा ऊपर, यहां से सीधे 80 से 420 पॉइंट ये खींचा, तो 10 पॉइंट वो खींच लिया। मैडम बोलने वाली है नहीं, बढ़िया। ठीक है, उसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है, मार्केट रिएक्शन ले तो रहा है लेकिन सपोर्ट पे टिका हुआ है, आ रहा है धीरे धीरे बड़ी कैंडल बना के नीचे, एक ही कैंडल में खेल फिनिश। और इधर हम लोगों का क्या चल रहा है, 250 का प्रॉफिट भी हो गया पुट में, 295 हो गया है, 275, 295, 340, 435, 500, 500, एक लॉट बुक कर लिया, अब एक लॉट बचा है,
ज्यादा का प्रॉफिट फिर भी नहीं है भाई, मात्र 400 का प्रॉफिट है। कारण कि वो पीवीआर ने मेरा प्रॉफिट खा लिया था शुरू में, पीवीआर था ना, हाँ वही था। देखिए डायरेक्ट इसने 38 का हाई मार दिया, यही लेवल है 38। मैंने उस वक्त बोला था ना कि 38 के ऊपर उसको निकलना चाहिए, देखिए 38 के ऊपर नहीं ना निकला, 37 रुपये 90 पैसे पे बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा, 25 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लिमिट लगा के इसको छोड़ दूंगा, 25 रुपया 10 पैसा, और इसको छोड़ दूंगा, बना रहूंगा। आया तो ठीक, नहीं आया तो कुछ खोने वाले नहीं है, माने कॉस्ट टू कॉस्ट खत्म हो जाएगा मेरा और कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा एसएल यहाँ पे जो लगा के रखा था एक लॉट का, वो बुक हो गया मेरा एसएल, मैंने नीचे आ गया, तो मेरा 63 के रुपीज में आसपास में लॉस हुआ है। तो अब मैं फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई ट्रेड भी ऐसा नहीं है, मार्केट एक ही गैप अप खुलने के बाद एक रेंज में फंसा हुआ है, तो हमें अभी कोई भी मुझे इसमें ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं कर सकते। और वो शायद कोई आप लोग कह रहे हैं कि आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी है, कुछ है मॉनिटरी पॉलिसी है क्या, एफएमजी कुछ कह रही है, तो फिर मुझे उसी हिसाब से देखना पड़ेगा भाई। तो मैं अवॉइड कर दूंगा, रेपो रेट वाला मीटिंग तो आरबीआई वाला हुआ ना। तो अभी मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, मात्र 63 रुपीज के लॉस में मैं बुक कर रहा हूं, अभी मैं अब क्लोज करूंगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है ऊपर की साइड में, इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर, और मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है 17,400 के कॉल ऑप्शन में, ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो पोजीशन मेरा लॉस में था मैं आपको दिखाता हूँ, वो लॉस वाला पोजीशन प्रॉफिट में आ गया, जो मैंने लॉस अभी बुक किया था 418 का पोजीशन। अच्छा, दो ट्रेड है मेरे बने हुए ऑलरेडी, एक 17,400 का कॉल ऑप्शन, एक 17,500 का कॉल ऑप्शन, दोनों में ही प्रॉफिट है और मुझे लग रहा है एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। तो 17,500 थोड़ा दूर हो जा रहा है, तो मैं इसको बुक करना चाहूँगा 17,500 में। अभी देखता हूँ अगर एक ब्रेकआउट आता है 17,500 का, ये थोड़ा ब्रेकआउट करे तो मुझे लगता है एक चांस बनाया जा सकता है। ये भी इसने ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है 40 तक आना चाहिए, 39 चल रहा है, हाई लगाया है 40। तो यहाँ पर से मैं पहले स्टॉप लॉस को हटाऊं, मेंटेन करूं, और यहाँ पर कुछ क्वांटिटी को 17,039 लिमिट 39 पर इसको सेल आउट कर, क्या हुआ नहीं लगा मार्जिन में, सॉरी 39 पर 100 क्वांटिटी को रखता हूँ, चूंकि बहुत दूर का है ना, दूर का इस वजह से उतना कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ। हालांकि लॉस से मैं प्रॉफिट में आ गया, 588 का प्रॉफिट है, 630। अगर ये दो लॉट बुक हो जाते हैं तो अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। अभी तो निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हाई लगाया है निफ्टी ने, जो हाई लगाया है 17,420 के आसपास का हाई लगाया है, 17,420, देखते हैं क्या निफ्टी 17,450 तक जा पाता है या 440 तक, 440 तक चांस बना सकता है, मूवमेंट में है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा उसको रेजिस्टेंस भी मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो है 550 का को इसमें चल रहा है 17,400 के कॉल ऑप्शन में, और इसमें 17,500 के कॉल ऑप्शन में 140। दो लॉट रखे हैं टारगेट के लिए, बुक होता है कि नहीं देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मार्केट एक अच्छा हाई पर है, मार्केट एक अच्छा ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, वेट कर दे। देखिए एमजीएल ने भी ठीक ठाक मूवमेंट किया, और ये मेरा लेवल बिल्कुल सही था, एमजीएल 904 के ऊपर, 3 के ऊपर मैंने बाय दिया था आप लोगों को, टारगेट एमजीएल का डन हो गया है शायद, मेरे ख्याल से 910 का एक टारगेट था एमजीएल। का पहला टारगेट था बिल्कुल, इसने हाई मारा 910 का, एमजीएल फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है, 910 हाई लगाया एग्जैक्ट,
फिलहाल ये निफ्टी ऊपर सस्टेन कर रहा है और ये मेरा कॉल ऑप्शन किधर गया, 445। वेट करते हैं 17,500 के कॉल ऑप्शन पे, मूवमेंट में है, 420 का हाई लगाया था। वेट करना पड़ेगा। चार सौ चालीस तक जाना चाहिए, 440, 450 साइकोलॉजिकल लेवल, 450 है निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल, 450 का आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, 450 से 25 आ रहा है, रेजिस्टेंस तो है 450, 450 के आसपास जाना चाहिए, 425 तक तो गया है, 20 तक, 30 पॉइंट से रह गया है थोड़ा, देखते हैं। अभी मूवमेंट आ रहा है वापस से 540, इसका देखें 643। दो लॉट का मैंने टारगेट 39 के आसपास रखा है और देखते हैं ये मिलता है कि नहीं। 39 मिल जाना चाहिए, देखिए दो लॉट बुक हो गया मेरे, अब मेरा बचा एक लॉट, क्योंकि ये दूर का कॉल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी समझा। तो अब जो ऑल पोजीशन है 946 का, देखिए जो मैं ट्रेड दिखा दूँ आपको, 17,450 के कॉल ऑप्शन में 1213 का प्रॉफिट, 17,400 के कॉल ऑप्शन में देखिए 17,450 कॉल में 1213, 17,400 के कॉल ऑप्शन में 692, 17,500 के कॉल ऑप्शन में 375, MGL में बुक कर लिया था 47 में, निफ्टी के पुट में 17,250 के पुट में 232 का लॉस, 17,250 के पुट में दोबारा लिया इंट्राडे में 268 का लॉस, और PBR में ये खतरनाक, मेरा सारा टारगेट दिया लेकिन मेरा SL काटने के बाद, मैंने खुद काटा था, ये क्या घटेगा, मैंने खुद काटा था, तो ऐसे 936 रुपये का प्रॉफिट बन चुका है मेरा, 920 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी पूरा का पूरा पोजिशन जैसे ये 1000 में कन्वर्ट अगर हो जाए तो मैं पूरा का पूरा पोजिशन खत्म करके बुक कर लूंगा, या स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दूंगा दोस्तों। तो यही है ओवरऑल मेरा ट्रेड, मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ से, है ना, ये इसका मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट बुक करूंगा तो तभी प्रॉफिटेबल बनूंगा ना, लॉस बुक करके कोई बना आज तक प्रॉफिटेबल, कोई नहीं। तो ये हो गया खत्म कहानी कंप्लीट। तो इधर एक हो गया, अब कौन क्या बचा, कुछ नहीं, अभी भी हमारा एक ट्रेड है 17,500 के कॉल ऑप्शन में जिसमें एक ही लॉट है, तो इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके छोड़ दूंगा, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 29 रुपये के आसपास का, एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और बंद कर देता हूँ, मामला खत्म 29 रुपये का, 29.10 का देखिए लगा कर छोड़ दिया। अब जो होगा अपना तभी मैं प्रॉफिट में बुक करके जाऊंगा अगर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यही है ओवरऑल मेरा ट्रेड, अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।